चाहें तो इसे अभी पढ़ सकते हैं। बातें हो चुकी होंगी, फिर भी इतनी देर क्यों लग रही है? देवा, सगर ठीक करना। सात्विक और जीविका एक दूसरे को पसंद कर ले, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आई, ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं, पूरी लाइफ का क्वेश्चन है, और वो दोनों जितना एक दूसरे को जानेंगे उतना अच्छा होगा। आप चिंता मत करो, वो दोनों एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ वो दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी पसंद कर चुके हैं। अच्छा, अब तो मेरी मन की बात भी पढ़ने लगी क्या? पढ़ने लग गई? माना अभी तक मेरा बीकॉम हुआ नहीं है, मगर मैं ऑलरेडी पीएचडी कर चुकी हूँ मनोविज्ञान में। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके मन में अभी मेरे कान खींचने की इच्छा हो रही है। शो देखा देखा। बड़ूगी तुझे। I'm sorry आपके साथ ये। पर आपने ये बात किसी को? चलो, अरे आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, इतनी लंबी बातों के बीच एक चाय ब्रेक तो बनता है। चाय मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और मेरी बेटी अपने हाथों से ले आई है। जिद कर रही थी, कह रही थी मेहमानों को चाय मैं खुद ही दूंगी। मैंने कब कहा? अरे आई हूँ मैं, तेरी मन की बात समझती हूँ। अरे ये आपके लिए नहीं, ये अंकल के लिए भी है। अच्छा ले लो। हाँ वो मैं। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। भी? होगा अब ठीक है। अरे आप बैठिए ना, आइए। अब आई एम सॉरी, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। कबाब में हड्डी बनकर मैंने अपनी बनी बनाई बिरयानी कहीं बर्बाद ना कर दी। यहाँ आके मैंने शायद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया। चल छोड़। अरे सुनिए, क्या हुआ? हाँ? सब ठीक तो है? पता नहीं,
ऐसा क्या कह दिया तूने सात्विक को कि वो अचानक चला गया? अरे सात्विक अचानक चला गया, इसमें भी जीवी की गलती है। मुझे तो शुरू से ये लड़का कुछ अजीब ही लग रहा है। कभी बुलाओ तो आता नहीं, कभी बिना बुलाए पहुंच जाता है, और जब सब ठीक है तो अचानक चला जाता है। प्रॉब्लम क्या है? ये वो लड़की देखने आया था, बस्ती बसाने नहीं। इतना बड़ा बिजनेस है उनका, और कोई जरूरी काम आ गया होगा इसीलिए तो चले गए ना। हर एक मिनट की कीमत होती है उनकी, हमारी तरह सब कंगाल नहीं होते। सात्विक के लिए उसका हर मिनट चाहे जितना भी कीमती हो, मेरे लिए मेरे बहन का हर मिनट बेशकीमती है। मैं किसी की हाँ के इंतजार में मेरी बहन का एक सेकंड भी जाया नहीं करूंगा। बेटा कोई जरूरी काम होगा, वरना जो लड़का खुद अपने मन से यहाँ मिलने के लिए आया है वो इस तरह चला नहीं जाता ना। या ठीक कह रहे बाबा, जरूरी काम आया होगा। तू राजनंदिनी से बात करके क्यों नहीं रुकती? तुझे कुछ बताऊंगा। मैंने घर के कामों का बोझ क्या कम था जो ये पूछताछ की टोकरी मेरे सिर पे डाल दी। बेटा तू चिंता मत करना, सात्विक जैसे अचानक गए हैं ना वैसे ही अचानक वापस भी आ जाएंगे। बड़े लोग हैं ना बेटा, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, हम सोच भी नहीं सकते। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। आतिया, मैंने उनके ऊपर चाय गिरा दी इसलिए वो गुस्सा के चले गए क्या? नहीं बच्चे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती शायद मेरी ही रही होगी। मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था मतलब? ताई, कहीं तेरा लेटर तो नहीं पढ़ लिया उन्होंने? बस मैं ही जानती हूँ सात्विक और जीविका की बातचीत बीच में कैसे रोकी। आसान नहीं था, पर आपने विनती की तो कैसे ना करती। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू। वैसे ऐसा क्या था जो सात्विक और जीविका को पता चलने से अनर्थ हो जाता? ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं होती तो ना आप उस दिन इतनी घाई में होती ना घबराहट में। शादी का मामला है, थोड़ी घबराहट तो होती है ना। हम लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, शादी की तैयारियां हमें भी करनी है। मैम खटिया, तुझे क्या लगता है तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? एक घास की ढेर से सुई ढूंढ के निकालती हूँ मैं, अब तो मैं ये सच जानकर ही रहूंगी। I'm sure चाहे इतनी भी खराब नहीं होगी कि तुझसे वहां रुका नहीं गया। अरे क्या हुआ, कुछ बुरा लगा? बुरा भी लग रहा है, दुख भी हुआ और खून भी खुल रहा है। एक साथ बहुत सारे इमोशंस हैं इस वक्त। ऐसे इमोशंस वैसे शादी की खिचड़ी के बाद ही पकते हैं, और तेरी तो अभी तक सगाई भी नहीं हुई है। जीविका ने मुझे एक लेटर दिया है जिसमें उसने वो हर चीज लिखी जो वो बताना चाहती है पर कह नहीं सकती। उसका बचपन ना दूसरे बच्चों के जैसे खेलते हुए नहीं बीता मानस, अकेलेपन से लड़कर बीता है। जीविका की आई और पापा घर चलाने के लिए दोनों काम करते थे, उसका उसलिए समय उसकी आजी के साथ बीता, और जब आजी नहीं गई तो एकदम अकेली हो गई। और इसी बीच उसके एक रिलेटिव ने 13 साल की जीविका को मोलेस्ट करने की कोशिश की। क्या करती हो, अपने दादा के आने तक 13 साल की बच्ची ने अपने आप को एक छोटे से कमरे में अंधेरे में बंद कर लिया। प्रदीप दादा के आने के बाद उन्हें जब पता चला तो उन्होंने बहुत मारा, इतना मारा कि पुलिस वालों को उस आदमी को अरेस्ट करना पड़ा। अनुमान न करें हमारी और आद्या के साथ अगर ऐसा हो तो मैं उस आदमी की
मारता नहीं, उसे जान से मार देता। सब सब भयानक हादसा किसी भी लड़की के साथ हो यार, दिल दहल जाता है। वो तो 13 साल की बच्ची थी, और ऐसे अनुभव के बाद भी इस दुनिया पर भरोसा करना उसकी हिम्मत भी है और मासूमियत भी। सोच, इसी मासूमियत के चलते उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। 42 लाख के कर्ज की वजह से सभी बच्चे पढ़ नहीं सकते थे ना, तो बीच में उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब इतना सब सहने के बाद उसे लग रहा होगा कि मेरी आने वाली जिंदगी मेरे बीते हुए कल से बेहतर होगी, नहीं? कि ये शादी के बाद उसकी किस्मत फूलों की सेज लगाकर उसका स्वागत करेगी। उसे कहां पता, अपनी बदकिस्मती ऑलरेडी उसके नाम कर चुका हूं। तू क्या करेगा मित्रा? उसके सच का जवाब सच से देगा या समझ से? पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरा सच उसकी ईमानदारी का सिला होगा या सजा। और उसने मुझे सब कुछ बताया है ना, कुछ नहीं छिपाया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे सब कुछ बताऊं, सब कुछ सच सच बताऊं।